इंडिया की सबसे यंग मोबाइल ब्रांड रियलमी ने अपना न्यू फोन रियलमी 3 इंडिया में लॉन्च कर दिया है गाइस। और इस मोबाइल में काफ़ी कुछ खास चीज़ें हैं, कुछ कुछ इसमें डाउन पॉइंट भी है, लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा कमाल की है जिसका नाम है कैमरा 2 API और बूट लोडर अनलॉक। दोनों ही फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और रियलमी डेवलपर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी कमाल कैसे कहते हैं इसको, कमाल करके दिखाया है। मीडियाटेक के प्रोसेसर में कैमरा 2 API इनेबल कर दिया है। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि कैमरा 2 API कितना अच्छा वर्क करता है इसमें और क्या ये फीचर सच में वर्थ है और काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलमी 3 में गूगल कैमरा कैसे इंस्टॉल करते हैं और कुछ गूगल कैमरा वर्सेस स्टॉक कैमरा का कंपैरिजन भी दिखा दूंगा। सो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है शाकिब, आप देख रहे हो techoop.com और स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के साथ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउ टू इंस्टॉल जी कैम और गूगल कैमरा ऑन रियलमी 3। सो ये सिंपल स्टेप है गाइस, फॉलो कर लो, बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा गूगल कैमरा ऑन रियलमी 3। और इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा रियलमी 3 की अनबॉक्सिंग और क्विक हैंड्स ऑन रिव्यू कह सकते तुम इसको। सो उसको भी चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने आपको कैमरा सैंपल्स डाल रखे हैं, बहुत कुछ कंपैरिजन हुआ है, कलर वाइज की बात हुई है। सो उसको भी चेकआउट कर लेना गाइस अगर आपको रियलमी 3 पसंद आ रहा है, लेने का मन कर रहा है तब। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लिंक इस पर टैप करना पड़ेगा। ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यहाँ से आपको APK डाउनलोड करना है। ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सो गूगल ड्राइव से ये APK डाउनलोड कर लो। ये पैच जो है वो आपको पिक्सल 2 का है, जल्दी आपको पिक्सल 3 का भी पैच आ जाएगा। सो मैं उसको अपडेट कर दूंगा, अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो तो अपडेटेड मिल जाएगा। सो इसी बात पे गाइस सब्सक्राइब कर दो गाइस और बेल आइकन भी ऑन कर देना, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए अगर कर दिया तो, और नहीं किया तो यार कर दो प्लीज़। APK डाउनलोड होने के बाद फाइल को सिंपली आपको इंस्टॉल करना है जैसे आप नॉर्मली सारे एंड्रॉयड ऐप्स इंस्टॉल करते हो, थर्ड पार्टी ऐप जैसे करते हैं हम लोग। सो अब GCam इंस्टॉल हो गया है गाइज आपके मोबाइल पे और अब बात कर लेते हैं इसके सारे फीचर्स के बारे में और चेक कर लेते हैं क्या क्या काम कर रहा है। सो गाइज मैं रियलमी 3 में 2 दिन से GCam यूज़ कर रहा हूँ और मैंने टेस्ट किया इसके सारे फीचर्स को और सारे के सारे बहुत स्मूथली चल रहे हैं। आपको पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा सा आपको UI में लैग दिखता है, अदरवाइज इसका स्लो मोशन, पैनोरामा मोड, फोटो स्फीयर और पोर्ट्रेट मोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। स्लो मोशन आपको 120 FPS पे चलता है जो कि सही सही सा आपको स्लो मोशन दे देता है। HDR+ और HDR+ इनहेंस्ड मोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है और इसमें जो क्वालिटी आती है GCam वाली बिल्कुल वही तगड़ी क्वालिटी आ रही है। और जो मेन पर्पस होता है हम लोग का पोर्ट्रेट मोड के लिए हम लोग GCam इंस्टॉल करते हैं और वो पोर्ट्रेट मोड भाई एकदम तगड़ी क्वालिटी वाला चल रहा है इसमें और आप सैम्पल शॉट देख लो और उसे जज कर सकते हो आराम से। सो ये रहा एक कंपैरिजन स्टॉक का और GCam का। और गाइस मैंने रियलमी 3 में GCam यूज़ किया है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवर रेटेड हो गया है, पता नहीं क्यों। GCam उतना कमाल का काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट बहुत कमाल का करता है, अदरवाइज जो भी है इसमें फ्रेम को छोटा कर देता है। और जो क्वालिटी होती है GCam की कभी कभी बहुत बेकार सी क्वालिटी आती है। और गाइस आपको अगर ऐसा लगता है कि GCam ओवर रेटेड है जैसे कि मुझे लगता है, मैं पोर्ट्रेट मोड को साइड में रख के ये बात कह रहा हूँ। सो लाइक कर दो इस वीडियो को। सो गाइस इतना ही कुछ था इस वीडियो के लिए, आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो अगर पसंद आता है तो, और फैला दो अपने फ्रेंड्स के साथ जो रियलमी 3 यूज़ कर रहे हैं या फिर लेने वाले या फिर रियलमी यूजर्स हैं, और इस चैनल से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो, बाय।